आज पहले डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा जो कुछ भी भारत सरकार राज्य सरकार के सहयोग के साथ जो कुछ भी हमने कदम उठाया है और आगे कदम उठाने वाला है उसके बारे में सभी एमपीस को अवगत किए गए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी अंत में एमपीस को संबोधित करते हुए ये कहा कि देश में हवाई जहाज में हो, रेलवे स्टेशन में हो, डॉक्टर्स हो, अपने कर्तव्य बहुत अच्छी ढंग से निभाया है। देयर अप्रोच वॉज पॉजिटिव एंड दे डिड ए टायरलेस एफर्ट। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी बहुत आग्रहपूर्वक एक चीज़ कहा, वो ये था कि भारत के मीडिया बोथ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया ऑफ द कंट्री बहुत पॉजिटिवली ये जो कोरोना वायरस के बारे में कैंपेन की है, जागृति की है, सतर्कता के बारे में सूचना दी है कि बहुत सराहना की। ही अप्रिशिएटेड द मीडिया फॉर इट्स पॉजिटिव रोल एज फार एज क्रिएटिंग द अवेयरनेस अबाउट द कोरोना वायरस एंड ही ऑल्सो अर्ज्ड द एमपीस टू कॉन्ग्रेचुलेट बोथ द पीपल हु आर वर्किंग इन द फील्ड लाइक इन द एयरपोर्ट एंड इन द सी पोर्ट एंड ऑल्सो इन द रेलवे स्टेशन and many other places including doctor, nurse, staff nurse. इसके लिए appreciation तो दिया और उसके साथ ही साथ media को भी सभी MPs को ये कहा कि उनके positive role के बारे में इतना positive role उन्होंने play किया है इसके कारण panic भी नहीं बढ़ा है, साथ ही साथ सतर्कता भी बहुत अच्छे ढंग से बढ़ रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी तहे दिल से विथ ए ओपन हार्ट ही कॉन्ग्रेचुलेटेड बोथ मीडिया एंड कंसर्न पीपल। उसके अलावा मेंबर्स को उन्होंने ये आग्रह किया जो कुछ भी भारत सरकार कर रही है और आगे करने वाले है और प्रिकॉशन जो रखना है उसके बारे में भी सैटरडे संडे जब अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे तब लोगों के बीच में जाके छोटे छोटे ग्रुप में इन ए स्मॉल ग्रुप वेरी स्मॉल ग्रुप जाके सतर्कता बढ़ाने का कार्यक्रम करें। थ्रू मीडिया ऑल्सो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह थ्रू करना चाहिए। और एमपीस जब इतने सब लोग मीडिया के लोग, डॉक्टर्स, पायलट्स, क्रूज ऑफ बोथ रेलवेज एंड स्टेट ओन ट्रांसपोर्टेशन और एयरपोर्ट और हमारा पुलिस कर्मचारी, ये सब जब काम कर रहे हैं एमपीस को भी काम करना है, हाउस चलाना है और हाउस चलाते चलाते अपने लोगों का ख्याल रखना चाहिए। ये बात प्रधानमंत्री जी कहते हुए फिर अंत में उनके भाषण के अंत में फिर से जो इसके लिए काम कर रहे हैं उसके साथ साथ मीडिया को दोबारा उन्होंने अप्रिसिएशन व्यक्त की है, धन्यवाद भी समर्पित की है। धन्यवाद प्रधानमंत्री के भाषण में कोरोना वायरस ही पूरी तरह से उसके आज तो पूरी कोरोना वायरस का ही क्या क्या हमको करना चाहिए डोंट्स एंड डूज एंड डोंट्स के बारे में और एमपीस के रोल के बारे में और जो काम कर रहे हैं जैसे मैं मीडिया के बारे में बताया ऐसे जो लोग काम कर रहे हैं एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में हमारा और कर्मचारी जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी अप्रिशिएट करना क्योंकि उन लोग बहुत काम किए इसने। अदरवाइज 130 करोड़ के इस देश में ये तो बहुत इतना अच्छी ढंग से ये हम व्यवस्था नहीं कर पाते थे। फिर भी अभी भी डेंजर है
फिर भी सतर्कता बनाना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री ने कहा। सेशन पूरा चलेगा, 3 तारीख तक चलेगा। आगे नॉमिनेट